Welcome to the course Electronic Circuit Design. Today we will discuss some important topics which we did not discuss earlier. तो उसमें एक टॉपिक है एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एम्पलीफायर. इसमें हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ कपलिंग कैपेसिटर्स. अच्छा, कैपेसिटर्स हम इसमें जो एम्पलीफायर्स थे हमने देखा था कि हम कैपेसिटर्स जो हैं इसमें एक तो ये कपलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं कि एक स्टेज को दूसरी स्टेज के साथ अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम उसके लिए कपलिंग कैपेसिटर जो है वो यूज़ करते हैं. इसका क्या पर्पज़ होता है ये भी आज हम फर्दर इसको रिवाइज़ करेंगे. और बेसिकली ये डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है, ये इसका पर्पज़ होता है. तो कपलिंग कैपेसिटर्स हम यूज़ करते हैं और उसके बाद हम बाईपास कैपेसिटर इसमें यूज़ करते थे. जो आर ई के अक्रॉस हम लगाते थे इसको हम बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं. और जो हम एक स्टेज को दूसरे स्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम एक कपलिंग कैपेसिटर यूज़ करते हैं. तो इसके सारे रीजंस आज फर्दर हम एक्सप्लोर करेंगे. तो कपलिंग कैपेसिटर्स, इफेक्ट ऑफ कपलिंग कैपेसिटर्स. कपलिंग कैपेसिटर्स आर इन सीरीज विद दी सिग्नल एंड आर पार्ट ऑफ हाई पास फिल्टर नेटवर्क. यानी हाई पास फिल्टर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसीज को पास करते हैं, लो फ्रिक्वेंसीज जैसे डीसी है उनको ये ब्लॉक कर देते हैं. अच्छा, दे इफेक्ट द लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ दी एम्पलीफायर. फॉर द सर्किट शोन इन फिगर 1A, द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द C1 इज अ हाई पास फिल्टर. यानी C1 को हम जब AC मॉडलिंग करते थे, AC एनालिसिस करते थे, तो उसको हम शॉर्ट करते हैं. C1 को शॉर्ट करते हैं, C3 को शॉर्ट करते हैं और C2 को भी हम शॉर्ट कर देते हैं. कैपेसिटर्स को हम शॉर्ट कर देते हैं. अच्छा, एंड इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द C1 इज अ हाई पास फिल्टर. C3 एंड C1 RC प्लस RL फॉर्म अनदर हाई पास फिल्टर. यानी एक आपका इनपुट साइड का है आपका कपलिंग कैपेसिटर और एक आउटपुट साइड का कपलिंग कैपेसिटर है. विद द एफर्ट इज द इनपुट कपलिंग कैपेसिटर इज यूजुअली स्मॉलर बिकॉज ऑफ द हायर इनपुट रेजिस्टेंस. द आउटपुट कैपेसिटर मे बी स्मॉलर और लार्ज डिपेंडिंग ऑन द ड्रेन एंड लोड रेजिस्टर साइज. फॉर द सर्किट शोन फिगर 1B, द इक्विवेलेंट लो पास फिल्टर फॉर द इनपुट C1 इज इन सीरीज विद RG बिकॉज द गेट इनपुट रेजिस्टेंस इज टू हाई. यानी आपका एक RC सर्किट बन जाएगा. अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ बाईपास कैपेसिटर. अब हम बाईपास कैपेसिटर जो है वो इसके क्रॉस लगाते हैं, RE के क्रॉस. अब इसमें आप ये नोट करेंगे हम RE क्यों यूज़ करते थे. हम RE इसलिए यूज़ करते थे ताकि हम हमारा जो एम्पलीफायर है वो बीटा इंडिपेंडेंट हो जाए. यानी वो ट्रांजिस्टर के जो मॉडल है उस पर डिपेंड ना करे, तो हम उसके लिए RE यूज़ करते हैं. लेकिन RE को यूज़ करने का नुकसान क्या होता है कि हमारी जो हमारी गेन है वो इससे इफ़ेक्ट होती है. हमारी जो गेन होगी वो इससे इफ़ेक्ट हो जाती है. तो हम क्या करते हैं, इसके अक्रॉस एक कैपेसिटर लगा देते हैं जो कि जब हाई फ्रिक्वेंसी की जब हम बात करते हैं तो उस पर कैपेसिटर चूँकि शॉर्ट होता है तो ये रेजिस्टेंस आपकी इफेक्टिवली शॉर्ट हो जाती है. ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं. अ बाईपास कैपेसिटर कॉजेज रिड्यूस्ड गेन एट लो फ्रिक्वेंसीज एंड अ हाई पास फिल्टर रिस्पॉन्स. The resistors seen by the bypass capacitor include RE, RE dash and the bypass resistors. For example, the frequency is sufficiently high, then XC is zero and the voltage gain of the common emitter amplifier is AV, RC over RE dash. At lower frequencies, अच्छा अब इसका नुकसान हमें क्या होता है, ये capacitor जो हम लगाते हैं इसका नुकसान हमें ये होता है कि जो low frequencies पे gain होती है ना वो gain जो है आपकी कम हो जाएगी. low frequency वाली हाई फ्रिक्वेंसी वाली गेन ज़्यादा होगी लेकिन लो फ्रिक्वेंसी वाली गेन इसकी कम हो जाएगी, इसकी वजह से, एक्स सी की वजह से, जो कि इसके पैरेलल में आ जाएगी, आर ई के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएगी. व्हेन अ फ्रिक्वेंसी इज सफिशिएंटली हाई, एक्स सी इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो. एक्स सी का फार्मूला क्या होता है, 1/2πfc. तो अगर आपकी फ्रिक्वेंसी कम है यानी ज़ीरो है अगर डी सी है तो एक्स सी आपकी इनफाइनाइट है. और अगर आपकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें आपकी जो एक्स सी होगी रिएक्टेंस वो कम हो जाएगी. एंड द वोल्टेज गेन ऑफ द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर AV इज RC ओवर RE डैश. एट लोअर फ्रिक्वेंसीज XC इज वेरी मच ग्रेटर दैन जीरो एंड द वोल्टेज गेन इज AV ओवर AV इज इक्वल टू RC ओवर RE डैश प्लस ZE. ZE क्या है, इन दोनों की पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, द इंटरनल आगे आता है कि इंटरनल कैपेसिटेंसेस. जो इंटरनल कैपेसिटेंस होती है आपकी, इसमें आप नोट करें कि ये जो आपकी कॉमन एमिटर कन्फिगुरेशन है या आपकी ये जो है कॉमन सोर्स आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें आपको कैपेसिटेंसेस मिलती हैं सी बेस और कलेक्टर के दरमियान और बेस और एमिटर के दरमियान. इसको माइलर इफेक्ट भी बोलते हैं. ये भी हम देखेंगे माइलर इफेक्ट क्या होता है.
दी हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एन एम्पलीफायर इज डिटरमिंड बाई इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंसेज. दीज कैपेसिटेंसेज फॉर्म द लो पास फिल्टर्स विद द एक्सटर्नल रेजिस्टर्स. समटाइम्स ए डिजाइनर विल एड एन एक्सटर्नल पैरेलल कैपेसिटर टू डेलिबरेटली रिड्यूस दी हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. अच्छा, माइलर थ्योरम क्या कहता है कि माइलर थ्योरम स्टेट दैट फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स द कैपेसिटेंस बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट इज इक्विवेलेंट टू सेपरेट इनपुट एंड आउटपुट कैपेसिटेंसेस टू ग्राउंड. यानी इनपुट से आउटपुट के दरमियान जो कैपेसिटेंस है उसको आप डिवाइड कर लें इनपुट साइड की और आउटपुट साइड की कैपेसिटेंस में. तो आप देखेंगे आपकी जो इनपुट साइड की कैपेसिटेंस वो क्या बन रही है, सी इंटू ए वी प्लस वन, यानी ये काफ़ी ज़्यादा है. एंड और आउटपुट साइड की क्या है, सी इज इक्वल टू ए वी प्लस वन ओवर ए वी. अच्छा, ए वी इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गेन. फॉर द इनपुट कैपेसिटेंस द गेन हैज़ अ लार्ज इफेक्ट ऑन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. देखिए इनपुट पे ज़्यादा इफेक्ट होगा उसका, ठीक है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन वेन यूजिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स. अब इसमें क्या होगा कि नोटिस दैट द इफेक्ट ऑफ माइलर्स थ्योरम इज एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस टू ग्राउंड विच शंट्स हाई फ्रिक्वेंसीज टू ग्राउंड एंड रिड्यूसेस द गेन एज द फ्रिक्वेंसी इज इंक्रीज. तो ये आपकी जो, जैसे ही आप इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो ये कैपेसिटेंस जो है वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगी. अगर जैसे ये एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगी तो जिसकी वजह से आपकी जो गेन है हाई फ्रिक्वेंसी को उस पर उसको ये कम कर देगी, उस गेन को ये काफ़ी कम कर देगी. अच्छा, अब हम इसका इक्विवेलेंट मॉडल में देखते हैं. इक्विवेलेंट मॉडलिंग इसकी हम कैसे करेंगे कि जो आपकी बेस मीटर वाली जो है कैपेसिटेंस वो ये इंटरनल आ गई और उसके बाद ये आपकी बेस कलेक्टर वाली. बेस कलेक्टर वाली कौन सी है, इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो कैपेसिटेंस है उसकी बात हो रही है यहाँ पे बेस कलेक्टर. तो सी बी सी इज इक्वल टू ए वी प्लस वन और ये आ जाएगा सी बी सी ए वी प्लस वन ओवर ए बी. अच्छा, अब एक एम्पलीफायर इसमें आप नोट करें, अगर हम कॉमन बेस यूज़ करें तो कॉमन बेस के अंदर क्या होगा कि बेस तो ग्राउंड हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आपकी ये जो है सी बी सी ये आपकी ख़त्म हो जाएगी और ये भी आपकी ख़त्म हो जाएगी. तो यही वजह है कि आपकी जो कॉमन बेस जो होता है बीजेटी एम्पलीफायर उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉमन मीटर. तो ये क्वालिटी हम उसकी यूज़ करके एक और एम्पलीफायर बनाते हैं जो कि आ गया है जिसको हम बोलते हैं कैस्कोड, कैस्कोड एम्पलीफायर. यानी आप क्या करते हो कि कॉमन कॉमन एमीटर और कॉमन बेस का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर लेते हो, ठीक है. लेकिन कॉमन बेस का नुकसान ये होता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि कॉमन बेस एम्पलीफायर में क्या मसला होता है, उसकी इनपुट रेजिस्टेंस जो है ना वो बहुत कम होती है, उसकी जो आर इन है वो काफ़ी लो होती है. तो उस इनपुट रेजिस्टेंस को कंपनसेट आप कैसे करते हो, आप कॉमन बेस से पहले एक कॉमन एमिटर लगा देते हो. तो कॉमन एमिटर लगाने से क्या होता है कि आपकी वो जो इनपुट इम्पिडेंस वाली जो कमी है वो पूरी हो जाती है और आपको बैंडविड्थ जो है वो भी ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस माइलर इफेक्ट, क्योंकि कॉमन बेस में माइलर इफेक्ट नहीं होगा. अच्छा, व्हाट इज़ द इनपुट कैपेसिटेंस फॉर अ 2N3904 इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद अ गेन ऑफ 25. अज्यूम द वैल्यूज ऑफ सी बी सी आर 4 पिकोफेरेड एंड सी बी ई आर 6 पिकोफेरेड. तो इसमें आप देखें व्हाट इज़ द इनपुट कैपेसिटेंस फॉर दिस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद द गेन ऑफ 25. यानी आपको गेन दे दिया है 25 और बेस टू कलेक्टर आपके पास है 4 पिकोफेरेड, बेस टू इमिटर आपके पास है 6 पिकोफेरेड. इसको नहीं अभी हमने चढ़ना, हमने सिर्फ इसको करना है सी बी सी को. तो देखें सी बी सी इंटू ए वी प्लस वन प्लस सी बी ई. देखें सी बी ई एज इट इज़ आएगा लेकिन जो बेस और कलेक्टर के दरमियान जो थी हमारी इनपुट आउटपुट के दरमियान जो कैपेसिटेंस उसको हमने क्या किया ए वी प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल इनपुट कैपेसिटेंस आ जाएगी जो कि हमारी इनपुट कैपेसिटेंस क्या बनती है 110 पिकोफेरेड. और ये वाली जो कैपेसिटेंस होगी ये आपकी जो गेन होगी गेन में कमी का बायस बनती है जिसकी वजह से आपका जो कॉमन मीटर एम्पलीफायर है उसकी बैंडविड्थ कम होती है. अच्छा, अब आते हैं एक और टॉपिक है आगे मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. ये सारे हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं इससे पहले, तो यहाँ पे इसकी जस्ट एक आप इसका रिव्यू समझ लें. यहाँ पे इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस द आउटपुट ऑफ अ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज़ यूजुअली इनसफिशिएंट. अब देखें एक एम्पलीफायर को नॉर्मली सिर्फ एक एम्पलीफायर इस्तेमाल नहीं होता, आप एम्पलीफायर को सीरीज़ में जोड़ के कैस्केड कर देते हैं जिससे क्या होता है कि आपकी गेन्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं. यानी पहले एक स्टेज लगी है जिसकी आउटपुट नेक्स्ट स्टेज की इनपुट बन जाती है और फिर नेक्स्ट स्टेज की आउटपुट आपकी ओवरऑल सिस्टम की आउटपुट बन जाती है. तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं कैस्केडेड सिस्टम. यानी एक बड़ा सिस्टम को आप सब सिस्टम में डिवाइड कर लें और सब सिस्टम में पहले सिस्टम की आउटपुट दूसरे सिस्टम की सब सिस्टम की इनपुट बन जाती है.
ठीक है, तो दो इट इज़ अ वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर, हैंस दे आर रिप्लेस्ड बाय मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स। इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज कपल्ड टू द नेक्स्ट टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज यूजिंग अ कपलिंग डिवाइस। अब ये देखें कपलिंग डिवाइस की बात होगी, देखें फर्स्ट स्टेज का एक एम्पलीफायर है और एक आपके पास सेकेंड स्टेज का एम्पलीफायर। अब आपने इनको कपल कैसे करना है ये क्वेश्चन है। हमने अब तक जो कपलिंग पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी, कैपेसिटर वाली कपलिंग हमने पढ़ी हुई है जिसको हम शॉर्ट कर देते हैं इन केस ऑफ एसी, और डीसी के केस में हम उसको ओपन कर देते हैं। यही इसका बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर हम उसको कैपेसिटर ना लगाएं आप तो क्या होगा कि इससे बाइसिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी इस कपलिंग डिवाइस से जो आपका सेकेंड स्टेज है उसकी इनपुट जो आपने बाइसिंग करनी है उसकी, अगर आपने वोल्टेज डिवाइडर से बाइसिंग करनी है R1 R2 लगा के, यानी R1 आपकी लगेगी VCC और बेस के दरमियान और R2 आपकी लगेगी बेस और ग्राउंड के दरमियान एक कॉमन एमिटर के केस में। तो अगर कपलिंग डिवाइस आप कैपेसिटर के अलावा कोई और कम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो इससे वो बाइसिंग इफेक्ट होती है, तो उसके लिए ये जो कैपेसिटर होता है ये जो RC फिल्टर होता है ये बेस्ट होता है और यही हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेज इज कपल्ड टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज यूजिंग अ कपलिंग डिवाइस। दीज कपलिंग डिवाइसेज कैन यूजुअली बी अ कैपेसिटर और अ ट्रांसफार्मर। दिस प्रोसेस ऑफ जॉइंटिंग जॉइनिंग टू एम्पलीफायर स्टेजेस यूजिंग अ कपलिंग डिवाइस कैन बी कॉल्ड एज कैस्केडिंग। ठीक है, तो अगर कैस्केडिंग का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए तो दिस इज मेंट बाई कैस्केडिंग, और ये हमने पढ़ा है कि कैस्केडिंग में क्या होता है, ओवरऑल गेन अब कैसे निकालते हैं, ए बी इक्वल टू ए बी वन इंटू ए बी टू, वी टू ओवर वी वन, वी टू ओवर वी वन, और दूसरे की क्या हो गया वी नॉट ओवर वी टू, तो वी टू वी टू से कैंसिल होगा, वी नॉट ओवर वी वन आ जाएगी। और अगर ये डीबीज के अंदर आपको गेन गिवन हो, जैसे अगर ये वोल्टेज गेन है तो 20 लॉग ऑफ ए बी होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि इन इनके डीबीज हम क्या कर देते हैं, एड अप कर देते हैं। अच्छा, वेयर ए वी इज़ द ओवरऑल गेन, ए बी वन इज़ द गेन वोल्टेज गेन ऑफ द फर्स्ट स्टेज, ए बी टू इज़ द वोल्टेज गेन ऑफ द सेकेंड स्टेज। इफ़ देर आर एन नंबर ऑफ स्टेजेस द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज गेन ऑफ दोज एन स्टेजेस विल बी द ओवरऑल गेन ऑफ द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। यानी दो गेन है तो अगर दोनों की गेन सेम है फॉर एग्जाम्पल, तो टू टाइम्स ऑफ द गेन, यानी गेन अगर ए है तो ए स्केयर, थ्री है तो ए क्यूब आप कह लें, ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है, तो इस तरह से गेंद आपस में मल्टीप्लाई हो रही है इसमें। अच्छा, अब कपलिंग पर्पज़ ऑफ कपलिंग डिवाइस क्या होता है, द बेसिक पर्पजेज ऑफ अ कपलिंग डिवाइस आर टू ट्रांसफर द एसी फ्रॉम आउटपुट ऑफ वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज। एसी यानी जो हमारा सिग्नल है ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में होगा, और द टू ब्लॉक द डीसी टू पास फ्रॉम आउटपुट ऑफ वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज विच मीन्स टू आइसोलेट द डीसी कंडीशंस, ताकि आपकी बायसिंग डिस्टर्ब ना हो जाए। जो आपने क्यू पॉइंट सेट किया हुआ है, अगर आपने क्लासिक एम्पलीफायर के तौर पर उसको चला रहे हैं, तो जो आपने उसकी क्यू पॉइंट की सेटिंग की है वो डिस्टर्ब ना हो, यानी पिछली स्टेज से अगली स्टेज वाली की क्यू पॉइंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ कपलिंग में क्या होगा, ज्वाइनिंग वन एम्पलीफायर स्टेज विद द अदर इन कैस्केडिंग यूजिंग कपलिंग डिवाइसेस फॉर्म अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर सर्किट। तो ये एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर सर्किट बन जाता है। देर आर फोर बेसिक मेथड्स ऑफ कपलिंग यूजिंग दीज कपलिंग डिवाइसेस व्हिच इज रेजिस्टर्स है, कैपेसिटर्स है, ट्रांसफार्मर्स एक्सेट्रा, लेट अस हैव एन आइडिया अबाउट देम। अच्छा, अब इसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग जो हम यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ यानी आपका लो पास फिल्टरिंग में आ जाएगा, यानी हाई पास फिल्टरिंग, सॉरी हाई पास फिल्टर बन जाएगा जो कि हाई फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा और लो फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक करेगा। दिस इज़ मोस्टली यूज मेथड फॉर ऑफ कपलिंग फॉर्म यूजिंग द सिंपल रजिस्टर कैपेसिटर कम्बिनेशन। द कैपेसिटर विच अलाउज ए सी एंड ब्लॉक्स डी सी इज द मेन कपलिंग एलिमेंट यूज हेयर। द कपलिंग कैपेसिटर पासिस द ए सी फ्रॉम द आउटपुट ऑफ वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज वाइल ब्लॉकिंग द डी सी कंपोनेंट्स फ्रॉम द डी सी बायस वोल्टेजेस टू अफेक्ट द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, अच्छा उसके बाद आती है इम्पिडेंस कपलिंग। इम्पिडेंस कपलिंग में क्या होगा कि आप एक इंडक्टर जो है वो यूज़ करेंगे। द कपलिंग नेटवर्क दैट यूज द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर एज कपलिंग एलिमेंट्स कैन बी कॉल्ड एज इम्पिडेंस कपलिंग नेटवर्क, यानी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों का कॉम्बिनेशन। इन दिस इम्पिडेंस कपलिंग मेथड द इम्पिडेंस ऑफ द कपलिंग कॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स इंडक्टेंस एंड सिग्नल फ्रीक्वेंसी विच इज जे ओमेगा एल। दिस मेथड इज़ नॉट सो पॉपुलर एंड इज सेल्डम एम्प्लॉयड। ये पॉपुलर नहीं है ना ये कहीं यूज में मैंने देखा आज तक। अच्छा जी, ट्रांसफार्मर कपलिंग, द ट्रांसफार्मर कपलिंग ये भी यूज होती है। द कपलिंग मेथड दैट यूजेज अ ट्रांसफार्मर एज अ कपलिंग डिवाइस कैन बी कॉल्ड एज अ ट्रांसफार्मर कपलिंग। देर इज नो कैपेसिटर यूज इन दिस मेथड ऑफ कपलिंग बिकॉज अ ट्रांसफार्मर इट सेल्फ कन्वेज द एसी कंपोनेंट डायरेक्टली टू द बेस ऑफ सेकेंड स्टेज। द सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर प्रोवाइड्स अ बेस
return path, and hence there is no need of base resistance. This coupling is popular for its efficiency and its impedance matching, and hence it is mostly used. अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं डायरेक्ट कपलिंग के. डायरेक्ट कपल करते हैं, इफ द प्रीवियस एम्पलीफायर स्टेज इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट एम्पलीफायर स्टेज डायरेक्टली, तो इससे क्या होगा, बाइसिंग डिस्टर्ब होती है. इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कपलिंग. द इंडिविजुअल एम्पलीफायर स्टेज बायस कंडीशंस आर सो डिजाइन. अब आपने क्या करना है कि आप एम्पलीफायर ही इस तरह से डिजाइन करो कि अगर उसके साथ कोई और एम्पलीफायर कनेक्ट हो रहा है तो उससे उसकी बायसिंग कंडीशन डिस्टर्ब ना हो. द इंडिविजुअल एम्पलीफायर स्टेज बायस कंडीशंस आर सो डिजाइन दैट द स्टेजेस कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड विदाउट द डीसी आइसोलेशन. द डायरेक्ट कपलिंग मेथड इज मोस्टली यूज व्हेन द लोड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द एक्टिव सर्किट एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल हेडफोन्स, लाउड स्पीकर्स. अच्छा, अब आ कहता है रोल ऑफ कैपेसिटर्स. जो हम कैपेसिटर इतने सारे यूज़ करते हैं अपने एम्पलीफायर्स में, तो ये अब तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए. ये जस्ट एक आप यूँ समझ लें कि एक फिनिशिंग हो रही है कोर्स की. तो अदर देन द कपलिंग पर्पज, देर आर अदर पर्पजेज फॉर विच द फ्यू कैपेसिटर्स आर स्पेशली एम्प्लॉयड इन एम्पलीफायर्स. टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस नो अबाउट द रोल ऑफ कैपेसिटर्स. में इसमें एक सी इन जो होता है इनपुट कैपेसिटर. द इनपुट कैपेसिटर सी इन प्रेजेंट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द एम्पलीफायर. ये कपलिंग कैपेसिटर की बात कर रहा है. सी इन कपल्स द एसी सिग्नल टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर. दिस कैपेसिटर सी इन इफ नॉट प्रेजेंट द सिंगल सिग्नल सोर्स विल बी इन पैरेलल टू द रजिस्टर आर टू एंड द बायस वोल्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर बेस विल बी चेंज्ड. ठीक है, हैंड सी इन अलाउज द ए सी सिग्नल फ्राम द सोर्स टू फ्लो टू द इनपुट विदाउट अफेक्टिंग द बायस कंडीशन. उसके बाद आता है एमीटर बाईपास कैपेसिटर, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि आर ई के साथ जो लगा होता है जो कि हाई फ्रिक्वेंसी पे शॉर्ट करवा देता है आर ई को. द एमीटर बाईपास कैपेसिटर सी ई इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द एमीटर रजिस्टर. इट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस पाथ टू द एम्पलीफाइड ए सी सिग्नल. इन द एबसेंस ऑफ दिस कैपेसिटर द वोल्टेज डिवेलप्ड अक्रॉस आर ई विल फीड बैक टू द इनपुट साइड देयर बाय रिड्यूसिंग द आउटपुट वोल्टेज. दस इन द प्रेजेंस ऑफ सी ई द एम्पलीफाइड ए सी विल पास थ्रू दिस. तो आपकी जो हाई फ्रिक्वेंसी गेन है वो बच जाएगी आपकी, लेकिन लो फ्रिक्वेंसी गेन इससे अफेक्ट हो जाती है. अच्छा, कपलिंग कैपेसिटर सी सी. कपलिंग कैपेसिटर इज द कैपेसिटर कपलिंग कैपेसिटर दैट कनेक्ट्स टू स्टेजेस एंड प्रिवेंट्स डीसी इंटरफेरेंस बिटवीन द स्टेजेस एंड कंट्रोल्स द ऑपरेटिंग पॉइंट फ्रॉम शिफ्टिंग. कपलिंग कैपेसिटर जो है सी सी, ये एक स्टेज के आउटपुट से दूसरी स्टेज के इनपुट के दरमियान जो लगा हुआ है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लॉकिंग कैपेसिटर बिकॉज इट डज नॉट अलाउ द डीसी वोल्टेज टू पास थ्रू इट. इन द एब्सेंस ऑफ दिस कैपेसिटर आर सी विल नॉट कम इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस आर वन ऑफ द बायसिंग नेटवर्क ऑफ द नेक्स्ट स्टेज एंड देयर बाय चेंजिंग द बायसिंग कंडीशन ऑफ द नेक्स्ट स्टेज. तो इस चीज़ का बस आपने ख्याल, इसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि इस कैपेसिटर लगाने का मकसद ये होता है कि आपका जो सेकेंड स्टेज का जो एम्पलीफायर है उसकी बायसिंग कंडीशन डिस्टर्ब ना हो. अच्छा जी, उसके बाद आते हैं एम्पलीफायर के कंसिड्रेशन है. अगेन ये समरी है जो अब तक हम पढ़ चुके हैं. फॉर एन एम्पलीफायर सर्किट द ओवरऑल गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज एन इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन टू अचीव मैक्सिमम वोल्टेज गेन. दो तरह की गेन्स थी वोल्टेज, तीन तरह की एग्जैक्टली, वोल्टेज गेन, करंट गेन एंड पावर गेन. ठीक है, तो कॉमन मीटर के हमने देखा था कि पावर गेन ज़्यादा होती है इनकी, वोल्टेज गेन भी ज़्यादा, इनकी करंट गेन भी ज़्यादा होती है. कॉमन बेस वाले की जो है वो आपकी जो करंट गेन ज़्यादा होती है लेकिन वोल्टेज गेन कम होती है. कॉमन कलेक्टर वाले की वोल्टेज गेन कम होती है लेकिन करंट गेन ज़्यादा होती है. तो उनके अपने अपने यूजेज़ हैं, ठीक है, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से. जैसे कॉमन कलेक्टर था, इट्स वोल्टेज गेन इज़ लेस देन यूनिटी, यानी अप्रॉक्सीमेटली यूनिटी या लेस देन यूनिटी. इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इंटरमीडिएट स्टेजेस, यानी इंटरमीडिएट स्टेज में आप इसको यूज़ ना करें. अच्छा, उसके बाद कॉमन बेस में क्या होता है कि करंट गेन इसकी लेस देन यूनिटी होती है. इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर कैस्केडिंग. अब थर्ड कौन सा आ गया आपका, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर. इसमें हमने देखा था कि इसकी वोल्टेज गेन ग्रेटर देन यूनिटी है, इसकी करंट गेन भी ग्रेटर देन यूनिटी है, बीटा होती है. सो वोल्टेज गेन इज़ फर्दर इंक्रीज बाई कैस्केडिंग. तो आप ज़्यादातर, मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉमन एमिटर और कॉमन सोर्स से दो एम्पलीफायर्स हैं बीजेटीज़ और एफईटीज़ के जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और इनका हमने सबसे डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है. द करेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर आर सच दैट दिस कॉन्फिगरेशन इज वेरी सुटेबल फॉर कैस्केडिंग इन एम्पलीफायर सर्किट्स. हेंस मोस्ट ऑफ द एम्पलीफायर सर्किट्स यूज कॉमन एमिटर कॉन्फिगुरेशन. अच्छा, नाउ वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैस्कोड एम्पलीफायर. कैस्कोड एम्पलीफायर क्या होता है? तो कैस्कोड एम्पलीफायर क्या होता है जी, वेन द कॉमन बेस एम्पलीफायर, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है ना, इसकी बैंडविड्थ सबसे ज़्यादा होती है.
लेकिन इसका मसला क्या होता है, इसकी इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो इनपुट इम्पिडेंस इसकी कम होती है। तो व्हेन द कॉमन बेस एम्पलीफायर इज़ कॉमन बेस एम्पलीफायर वाइल द कॉमन बेस एम्पलीफायर इज़ नोन फॉर द वाइडर बैंडविड्थ देन द कॉमन एमिटर कॉन्फिगुरेशन, द लो इनपुट इम्पिडेंस ठीक है ऑफ कॉमन बेस इज़ अ लिमिटेशन फॉर मैनी एप्लीकेशंस। ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है कैस कोड का। द सोल्यूशन इज़ टू प्रिसीड द कॉमन बेस स्टेज बाय अ लो गेन कॉमन एमिटर स्टेज विच हैज़ मॉडरेटली हाई इनपुट इम्पिडेंस, जो कि किलो ओम्स के अंदर उनकी होती है। अच्छा, द स्टेजेस आर इन कैस कोड कन्फिगुरेशन स्टैक्ड इन सीरीज एज अपोज टू कैस्केडेड फॉर अ स्टैंडर्ड एम्पलीफायर चेन। तो इसको हम कैस कोड बोलते हैं। तो कैपेसिटर कपल्ड थ्री स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कैपेसिटर कपल्ड फॉर अ कैस्केड एग्जाम्पल। अब जो कैस कोड एम्पलीफायर है इट हैज़ द बोथ वाइड बैंडविड्थ एंड मॉडरेटली हाई इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है। आपको बैंडविड्थ भी ज़्यादा मिल गई कॉमन बेस की वजह से और आपकी इनपुट इम्पिडेंस भी ज़्यादा होगी आपके कॉमन एमिटर की वजह से। तो ये देखें, ये आपका कौन सा, ये कॉमन बेस है, इसकी बैंडविड्थ सबसे ज़्यादा होती है। और ये क्योंकि इसकी क्यों ज़्यादा होती है बैंडविड्थ, क्योंकि इसमें माइलर इफेक्ट नहीं है, यानी वो जो माइलर इफेक्ट था हमारा, जो कैपेसिटेंस थी सी बी, जो इनपुट आउटपुट की कैपेसिटेंस थी, वो इसमें इसमें हम देखें बेस ग्राउंड हो गया हुआ है, तो इस वजह से वो कैपेसिटेंस भी आपकी इलिमिनेट हो गई है। अच्छा, अब आपने कि ये कॉमन एमिटर आपका एम्पलीफायर है, ठीक है। अब आप क्या करो कि कॉमन एमिटर के साथ आगे जो है ये कॉमन बेस लगा दो, ठीक है। कॉमन एमिटर के साथ आपने डायरेक्ट जोड़ दी है कॉमन बेस, तो ये दो एम्पलीफायर आपने, दो ट्रांजिस्टर्स आपने इकट्ठे जोड़ दिए, कॉमन बेस और कॉमन एमिटर सीरीज में जोड़े हुए हैं। तो ये इस पूरी असेंबली को हम क्या बोलेंगे, हम इसको कैस कोड बोलते हैं, कैस कोड कन्फिगुरेशन। और बेनिफिट क्या है कि इसकी बैंडविड्थ भी ज़्यादा है और इसकी इनपुट इम्पिडेंस भी मॉडरेटली हाई होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, वो है स्टेबिलिटी ऑफ एन एम्पलीफायर, कि एम्पलीफायर की स्टेबिलिटी को हमने कैसे जो है वो देखना है। अब एम्पलीफायर का हमें पता, आपको पता है कि हमने जितने भी एनालिसिस किया वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर हम करते हैं, लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में। तो इसकी जो डिटेल है, स्टेबिलिटी जो एनालिसिस है, वो आप कंट्रोल सिस्टम के कोर्स में ज़्यादा डिटेल में करेंगे, लेकिन उसका एक छोटा सा ओवरव्यू जो इस कोर्स में शामिल है वो है एम्पलीफायर की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को कैसे जज करना है। अब स्टेबिलिटी को जज करने का एक यूनिवर्सल रूल है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर, के उसके जो पोल्स हैं, पोल्स और जीरोस हमने डिस्कस किए हुए थे जब हमने बोडे प्लॉट पढ़े थे स्टार्टिंग वीक्स के अंदर, हमने बोडे प्लॉट का हमारा पूरा लेक्चर था, तो बोडे प्लॉट का यहाँ पर थोड़ा सा इस्तेमाल दोबारा आ जाएगा। तो एम्पलीफायर स्टेबिलिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम एंड नॉट द ड्राइविंग फंक्शन, ठीक है। यानी ये सिस्टम के इंटरनल प्रॉपर्टी आप इसको कह सकते हैं। देयरफॉर इफ अ सिस्टम इज अनस्टेबल, ठीक है, देन एनी एक्साइटेशन इवन थर्मल एक्साइटेशन विल कॉज अ सिस्टम टू ऑपरेट इन एन अनस्टेबल मैनर। यानी वो कहना चाहता है कि सिस्टम आपका इंटरनली स्टेबल होना चाहिए, यानी अगर सिस्टम आपका इंटरनली अनस्टेबल है तो आप कोई भी उसको इनपुट दे दोगे उसने अनस्टेबल ही बिहेव करना है। तो कन्वर्सली इफ अ सिस्टम इज स्टेबल एनी बाउंडेड एक्साइटेशन कॉजेज अ बाउंडेड रिस्पॉन्स, इट इज़ देयर फॉर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट अ सर्किट इज स्टेबल फॉर ऑल ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसीज व्हेन डिजाइनिंग एम्पलीफायर्स और एम्पलीफिकेशन सिस्टम्स, डोंट वॉन्ट टू लेट द स्मोक आउट। अच्छा, सिंपली पुट इफ द ट्रांजियंट रिस्पॉन्स, अब थोड़ा सा इसको हम डेप्थ में इसकी जाते हैं कि सिंपली पुट इफ द ट्रांजियंट रिस्पॉन्स, देखें दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, एक होता है ट्रांजियंट रिस्पॉन्स, एक होता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ट्रांजियंट रिस्पॉन्स होता है अप टू फाइव टाइम कॉन्स्टेंट, यानी आप कह लें कि अप टू फाइव टाइम, एक टाइम कॉन्स्टेंट होता है ना जिसमें 63% आपकी जो है वो चार्ज होने में लगता है जैसे एक कैपेसिटर को। तो टाइम कांस्टेंट यानी 5 टॉ तक आप कह लें कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कह सकते हैं उसको, आप 5 टॉ तक कह लें या 4 टॉ तक कह लें। और जो जो लॉन्ग टर्म बिहेवियर है जिसको हम टेक्निकली कहते हैं टी एट इन्फिनिटी, उसको हम कहेंगे स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो सिंपली पुट इफ द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम टू एन इम्पल्स इनपुट, इम्पल्स इनपुट क्या होती है कि वेरी, ये अपने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं कि वेरी लो इनपुट, सॉरी वेरी हाई इनपुट फॉर अ वेरी लो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट डेल्टा, डेल्टा जो फंक्शन होता है। तो इम्पल्स इनपुट उसको बोलते हैं। तो इम्पल्स इनपुट डिकेज टू अ कांस्टेंट वैल्यू, यानी आपने एक सिस्टम को इम्पल्स इनपुट दी तो उसके बाद सिस्टम ने कैसा बिहेव किया, तो सिस्टम जो है वो सिस्टम को क्या करना चाहिए, डिके करना चाहिए, ठीक
ठीक है, उसको सिस्टम को सेटल होना चाहिए, तो वो एक स्टेबल सिस्टम होगा, सिस्टम होगा। इफ़ द ट्रांजिट रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम टू एन इम्पल्स इनपुट डिकेज टू अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, अब ये कॉन्स्टेंट वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, एज द टाइम अप्रोचेज इन्फिनिटी द सिस्टम इज स्टेबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द रिस्पॉन्स ऑफ अ गिवन सिस्टम टू एन इम्पल्स इनपुट इज, जैसे आपका ये वाला एक रिस्पॉन्स की उसकी इक्वेजन क्या है, ये आप ये सारी चीज़ें इक्वेजन्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, अब मैथमेटिक्स के कोर्सेज के अंदर आपने इनको सबको डिटेल में देखा होगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। तो सिग्नल्स का जो कोर्स है, कंट्रोल सिस्टम जो है, वो आप शायद अभी इसके बाद आपको शायद ऑफर होगा। तो एनी हाउ, तो इसमें देखें, फॉर एग्जाम्पल इफ द रिस्पॉन्स ऑफ अ गिवन सिस्टम टू एन इम्पल्स इनपुट इज एच ऑफ टी इज ए रेस्ट पर माइनस अल्फा 1 टी प्लस ई रेस्ट पर माइनस अल्फा 2 टी बी कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस सी साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ओमेगा क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, या इसको टाइम पीरियड आप कह सकते हैं, टी इज इक्वल टू 1/f, ओमेगा इज इक्वल टू 2π f, या ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ठीक है, अब अल्फा 1 और अल्फा 2, अब ये देखें, ये अल्फा 1 और अल्फा 2 पॉजिटिव होने चाहिए, अगर ये पॉजिटिव होंगे तो ये आपका डिके करेगा, यानी ई के पावर माइनस माइनस होगा, ये ई के पावर माइनस समथिंग, इट विल डिके डाउनवर्ड्स। अगर ई की पावर पॉजिटिव होगा तो इट विल इंक्रीज अपवर्ड, तो वो अनस्टेबल सिस्टम होगा। अगर ये आपके ये जो कॉफिशेंट हैं, अगर ये अल्फा 1 अल्फा 2 अगर ये नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ई की पावर अगर पॉजिटिव आ जाएगी तो वो अनस्टेबल सिस्टम है। तो इसका प्लॉट कैसा होगा, इसका प्लॉट जो है आपका, इसको हम यूँ समझें कि जैसे मिसाल के तौर पे आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक स्पीड ब्रेकर आ गया, यानी इम्पल्स आ गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि आप में थोड़ी सी ऑसिलेशन होगी आपकी सीट के अंदर, लेकिन बाद में आप इवेंचुअली उन शॉक अब्जॉर्बर्स की मदद से आप सेटल हो जाएंगे दोबारा, यानी आपके ऑसिलेशन आई, लेकिन उनका एक डिकेइंग एनवलप आपका एक बन जाएगा। इसकी इसकी डायग्राम इस तरह की होगी, आगे ये देखें, ये डिकेइंग एनवलप, यानी ऑसिलेशन आई लेकिन वो डिके हो रही है। अब इसको बोलते हैं डैम्पिंग। तो अगर आपका सिस्टम कैसा डैम्प है, अनडैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है, आपका ओवर डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, तो ये चार तरह के रिस्पॉन्स होंगे जो कि आपको फर्दर कंट्रोल सिस्टम के कोर्स में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। तो ये आपकी एक एक्सपोनेंशियल जो है वो डिके एनवलप इसको बोलेंगे। तो ये आपका एक स्टेबल सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स आ रहा है, साइनोसाइडल रिस्पॉन्स आ रहा है, और एक्सपोनेंशियल रिस्पॉन्स आ रहा है। दूसरा सिस्टम आपका क्या होता है, मार्जिनली स्टेबल, जैसे मिसाल के तौर पे एक स्पीड ब्रेकर आया, अब आप जो है वो ऊपर नीचे डांस ही कर रहे हैं गाड़ी में, है तो वो आपका जैसे कहते हैं एक अनस्टेबल सिस्टम है कि जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है, तो ये मार्जिनली स्टेबल कहलाता है। अब इसकी पहचान क्या होती है, इसके जो अगर आप रूट्स निकालें, जो इसकी ट्रांसफर फंक्शन के जो पोल्स अगर आप इसके निकालें, तो वो इमेजिनरी एक्सिस पे आते हैं। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अनस्टेबल सिस्टम, जैसे आपका चेन रिएक्शन होता है, पॉजिटिव जो आपका पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हो गया, या आपका जो चेन रिएक्शन होता है वो इस तरह ही होता है ना, चेन रिएक्शन के एक एक से दो, दो से चार, चार से आठ, चार से जो है ना मल्टीपल्स, यानी चेन रिएक्शन जो है वो आपका, तो ये आपका एक अनस्टेबल सिस्टम कहलाता है। तो अब इसमें मैं वापस आता हूँ इस इक्वेजन को, अब आप समझ रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल है और ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। द सिस्टम वुड बी स्टेबल, द रिस्पॉन्स इलस्ट्रेटेड इन इक्वेजन 11.37 कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अ कॉन्स्टेंट एंड अ साइनोसॉइड दैट आर बोथ मल्टीप्लाइड बाय अ डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। दीज एक्सपोनेंशियल टर्म्स डिफाइन अ डिके एनवलप दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल सिस्टम बिहेवियर। इफ ऑन द अदर हैंड द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू एन इम्पल्स इज, इम्पल्स पे अगर रिस्पॉन्स इस तरह का आ जाए, प्लस अल्फा 1 टी प्लस अल्फा 2 टी, अब क्या होगा, अब आपका अनस्टेबल सिस्टम बन जाएगा ये, ठीक है। इवन इफ ओनली वन एक्सपोनेंशियल फॉल्स पॉजिटिव, यानी अगर इनमें से एक भी पॉजिटिव हो गया तो आपका पूरे का पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, यानी अनस्टेबल बैठेगा नहीं, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा। तो वी मे बी इन फॉर्म ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ हर्ट रादर देन डिकेइंग, एज इन फंक्शन द टर्म्स इन द अबव इक्वेशन आर ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। तो ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली का वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, विदाउट सम काइंड ऑफ बाउंड्री मैकेनिज्म दिस फंक्शन वुड बी कम्प्लीटली अनस्टेबल। अच्छा, मार्जिनली स्टेबल क्या होता है कि बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स इज द मार्जिनली स्टेबल दैट इज द ऑसिलेटरी बिहेवियर, यानी एक ऑसिलेटर तरह का जो इस तरह का बिहेवियर होता है वो एक मार्जिनली स्टेबल कहलाता है सिस्टम। दिस अकर्स व्हेन द सिग्नल एनवेलप इज कॉन्स्टेंट, दैट इज द सिग्नल नाइदर ग्रोज एज फॉर द अनस्टेबल केस नॉर डिकेज एज फॉर द स्टेबल केस।
इन टर्म्स ऑफ अ साइनोसाइडल सिग्नल इलस्ट्रेटिव फिगर्स फॉर ईच, ये ठीक है, ये आपका हो गया स्टेबल और ये आपका हो गया मार्जिनली स्टेबल और ये आपका हो गया अनस्टेबल सिस्टम। व्हेन वी विल डिस्कस स्टेबिलिटी, इट इज़ कन्वीनियंट टू प्लॉट द पोल्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है कि कम्प्लेक्स डोमेन के अंदर आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है, ये आपने लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ा हुआ है, ठीक है। दस एस प्लेन इज़ अ टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, यानी उसमें फिर हम क्या करते हैं कि एस प्लेन की तरफ चले जाते हैं। एस प्लेन में क्या होता है कि आपका जो है वो इमेजिनरी एक्सेस जो होता है जे जे वाला, वो वाई एक्सेस पे होता है और रियल एक्सेस आपका किस पे होता है, एक्स एक्सेस पे होता है, ठीक है। इट इज़ अ टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन दैट अलाउज टू प्लॉट द पोल्स एंड और जीरोज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट। तो अगर आप उसको प्लॉट करेंगे एस प्लेन के ऊपर, क्या बोलते हैं इसको, एस प्लेन, तो पोल्स और जीरोज में भी प्योरली रियल इफ़ दे लाई कम्प्लीटली ऑन द रियल एक्सेस और अगर इन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होते हैं कि जैसे ए प्लस बी आयोटा, ए माइनस बी आयोटा, यानी उनके रियल पार्ट सेम होते हैं लेकिन इमेजिनरी पार्ट ऑपोजिट होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो क्या होगा, एक इधर इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा और एक इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएगा, यानी मिरर होता है यहाँ, यानी ये इसका मिरर के तौर पर काम करता है। अच्छा, रिफ्लेक्शन आप कह सकते हैं, दे हैव एन इमेजिनरी कंपोनेंट टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर, द साइन ऑफ द इमेजिनरी पोर्शन इज स्विच दैट इज अ पोल और जीरो अकर्स एट ए प्लस जी बी एंड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज ए माइनस जे। अब ये देखिए इमेजिनरी और रियल प्लेन है, अब इसमें ज़रा ये नोट करें कि जो रियल पार्ट होता है ना, ये होता है एक्सपोनेंशियल की पावर, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है आपका जो साइनोसाइडल है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी है या रियल है, वैसे तो दोनों इंपॉर्टेंट लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रियल पार्ट है क्योंकि ये ई की पावर है, तो ये ई की पावर क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, ये नेगेटिव होगी तो सिस्टम स्टेबल है, यानी ये यानी आपके पास जो पोल होना चाहिए सिस्टम का, जो पोल होगा आपके पास लेफ्ट हाफ प्लेन में आना चाहिए। कौन से प्लेन में आना चाहिए, लेफ्ट हाफ प्लेन में, तो आपका सिस्टम क्या होगा कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा और स्टेबल होगा। अगर आपका पोल राइट हाफ प्लेन पे आ जाएगा तो सिस्टम आपका अनस्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ई की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और अगर ई की पावर ज़ीरो है, अगर ई की पावर ज़ीरो है मिसाल के तौर पे, ये इसमें ई की पावर ज़ीरो है, तो क्या होगा, फिर ऑसिलेटरी आ जाएगा आपका रिस्पॉन्स, इमेजिनरी यानी ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स जिसको हम मार्जिनली स्टेबल कहते हैं। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स अलाउ अस टू एक्सप्रेस द टाइम फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल एस एंड डिफाइन अ ट्रांसफर फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स द सिस्टम रिस्पॉन्स। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम इज द डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर ऊपर वाली टर्म को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म को कहते हैं, उसको आप जीरो रख दें जो कि नॉर्मली वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस बनती है, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू जीरो। तो जीरो का मतलब ये था पोल, इससे हम क्या निकालते हैं, पोल क्या होते हैं कि वो वैल्यू जिस पे आपका ट्रांसफर फंक्शन इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी कैसे होगा कि अगर आप डिनोमिनेटर को जीरो करते हो, कि वन ओवर जीरो इज इन्फिनिटी। द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और पोल्स ऑफ द सिस्टम डिटरमाइन द नेचर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो ये सबसे इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये कंट्रोल सिस्टम है, आप फर्दर मजीद डेप्थ के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, तो इस कोर्स के लिहाज से जो है हम इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। देर आर थ्री पॉसिबल पॉसिबिलिटीज दैट डिफाइन दी सिस्टम स्टेबिलिटी। अ सिस्टम इज स्टेबल इफ ऑल द रूट्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाई इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। कौन कौन से होंगे ये, क्वाड्रेंट टू और थ्री, वन टू थ्री फोर, तो टू और थ्री ये वाले क्वाड्रेंट जिसमें आप देखें रियल नेगेटिव, रियल नेगेटिव, इसमें इमेजिनरी पॉजिटिव और इसमें इमेजिनरी नेगेटिव है। अच्छा, अ सिस्टम इज अनस्टेबल इफ एनी ऑफ द रूट्स लाई इन दी राइट हाफ प्लेन, यानी अगर एक भी राइट हाफ प्लेन में चला गया तो सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा, भले बाकी लेफ्ट हाफ प्लेन में, लेकिन अगर एक भी पोल राइट हाफ प्लेन में चला गया तो इसका मतलब सिस्टम क्या है, अनस्टेबल। एक तो ये कंडीशन है, दूसरी ये भी कंडीशन होती है कि ठीक है राइट हाफ प्लेन में नहीं है लेकिन इमेजिनरी एक्सेस पे अगर रिपीटेड है, मतलब इफ देयर आर रिपीटेड पोल्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, तब भी सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। एनी ऑफ द रूट्स इन द राइट हाफ प्लेन, ठीक है, क्वाड्रेंट फोर वन एंड फोर, और एनी मल्टीपल कॉम्प्लेक्स पेयर ऑफ रूट्स डबल है ट्रिपल है लाई ऑन द जे एक्सिस, ठीक है, और एनी मल्टीपल रियल रूट्स लाई ऑन द ओरिजिन, यानी अगर ओरिजिन पे अगर आपके बहुत सारे मल्टीपल रियल रूट्स अगर आपके ओरिजिन पे आ जाएं एक से ज़्यादा, तब भी सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, अब आता है मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल तब होता है जब आपका कोई एक पोल, एक पेयर कह लें आप या एक सिंगल पोल कह लें आपका रियल एक्सेस पे हो, मल्टीपल ना हो।
एनी सिंगल पेयर ऑफ कॉन्जुगेट रूट्स लाई ऑन द जी ओमेगा एक्सेस और एनी सिंगल रूट लाइज एट द ओरिजिन एंड ऑल अदर रूट्स लाई इन द लेफ्ट हाफ प्लेन। बाकी इसके जो रूट्स हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन में होने चाहिए। अ सिस्टम इज कंडीशनली स्टेबल, एक और कंडीशन भी होती है कंडीशनली स्टेबल, कंडीशनल स्टेबिलिटी होती है कि कोई कंडीशन होगी यानी के की कोई वैल्यू, गेन की कोई वैल्यू होगी कि जिसके ऊपर आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल हो। इफ़ ऑल द रूट्स लाई इन द लेफ्ट हाफ प्लेन ओनली फॉर सम पर्टिकुलर कंडीशन, सेट ऑफ कंडीशन और रेंज ऑफ कंडीशन ऑफ द सिस्टम पैरामीटर, दी सिस्टम्स आर स्टेबल व्हेन द सिस्टम पैरामीटर्स आर अप्रोप्रिएट बट मे बिकम अनस्टेबल विद एनी वेरिएशन। यानी अगर आपका वो बाउंडेड नहीं रहती आपकी रेंज तो उसे ये अनस्टेबल हो सकता है सिस्टम। अब इसके रूट्स के नेचर क्या होंगी, ये रूट्स के नेचर ये देखेंगे। इसके रूट्स की नेचर होगी ए इंटू इट पर माइनस अल्फा 1t प्लस बी इंटू इट पर माइनस अल्फा 2t। यानी आपके पास दो पोल हैं और दोनों आपके लेफ्ट हाफ प्लेन के अंदर हैं, देर इज़ नो इमेजिनरी पार्ट, यानी ये आपके एक्स एक्सिस के ऊपर है ऑन दी लेफ्ट साइड। ठीक है, सिंगल रूट्स अलॉन्ग दी नेगेटिव रियल एक्सिस सच एज माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 ग्रेटर देन 0। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन क्या है कि ए इंटू इट पर अल्फा 1t प्लस बी इंटू इट पर अल्फा 2t प्लस के अंदर, तो सच रूट्स अलॉन्ग द पॉजिटिव रियल एक्सिस सच एज अल्फा 1 अल्फा 2 वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 ग्रेटर देन 0, तो ये अनस्टेबल है। अच्छा, उसके बाद ए इंटू कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस बी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ये कौन सा है, ये आपका हो जाएगा इमेजिनरी एक्सेस के ऊपर। ठीक है, सिंगल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर ऑफ रूट्स एट प्लस माइनस जी ओमेगा इमेजिनरी एक्सेस। और अगर आपके पास इस तरह से है कि ई की पावर माइनस अल्फा टी इंटू ए दिस, तो ये आपका डिकेइंग एनवलप हो जाएगा। ठीक है, वन पेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूट इज एट द लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है, तो ये आपका डिकेइंग एनवलप है और ये आपके एक्सपोनेंशियल यानी इंक्रीजिंग एनवलप है, ये अनस्टेबल सिस्टम है। दैट वन इज स्टेबल बट दिस इज अनस्टेबल। और ई पावर माइनस अल्फा टी इंटू ए प्लस बी, ये क्या चीज़ होगी कि डबल रूट्स ऑन दी रियल एक्सिस इन दी लेफ्ट हाफ प्लेन। ये इसे कहते हैं रिपीटेड पोल, यानी आपका जो है इसको आप रिपीटेड पोल भी कह सकते हैं, यानी आपके दोनों रूट डबल रूट हैं। ठीक है, डबल रूट आपका अल्फा के ऊपर है। ठीक है, डबल रूट्स ऑन द रियल एक्सिस इन दी लेफ्ट हाफ प्लेन, ये भी आपका स्टेबल सिस्टम है, बल्कि अच्छा हाईली स्टेबल सिस्टम है। ठीक है, इसको आप क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम कह सकते हैं, जो डिज़ायरेबल है। अच्छा, उसके बाद आता है ए, अगर सिंपल है तो इसका मतलब है कि सिंगल रूट एट दी ओरिजिन और ए प्लस बी टी है, तो इसका मतलब क्या है कि डबल रूट एट दी ओरिजिन। अच्छा, अब एज कैन बी सीन फ्रॉम द टाइम रिस्पॉन्सेज इन द टेबल अबव, स्टेबल सिस्टम्स आर दोज हैव द रूट्स ओनली इन द लेफ्ट हाफ प्लेन और द नेगेटिव रियल एक्सिस एंड दीज आर डोमिनेटेड बाई अ डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। रूट्स दैट लाइन इन द राइट हाफ प्लेन और द पॉजिटिव रियल एक्सिस रिजल्ट इन रिस्पॉन्सेज दैट इंक्रीज विद टाइम एंड स्टेबल्स एंड सिस्टम्स दैट आर अनसुटेबल फॉर प्रैक्टिकल यूज। सच कॉन्जुगेट पेयर्स ऑफ रूट्स दैट लाई कम्प्लीटली ऑन द इमेजिनरी एक्सिस अदर देन एट द ओरिजिन रिजल्ट इन एन अनडैम्प्ड साइनोसाइडल ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स। इफ ऑल अदर रूट्स लाई इन द लेफ्ट हाफ प्लेन एक्सेप्ट पॉसिबली अ सिंगल रूट एट द ओरिजिन, दिस सिस्टम इज कंसिडर्ड एन ऑसिलेटर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि जी ऑसिलेटर के रूट्स जो हैं वो कहाँ पर लाई करते हैं, तो ऑसिलेटर के रूट्स जो हैं वो आपके जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करते हैं। दिस इज द लिमिटिंग केस मार्जिनल स्टेबल बिटवीन द स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम्स। हाउ एवर ऑसिलेटर जनरली हैव सम नेचुरल और इंट्रोड्यूस्ड डैम्पिंग मैकेनिज्म सिंस वेरिएशन इन डिवाइस और ऑपरेशन पैरामीटर्स में मूव पोल्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस इनटू द राइट हाफ प्लेन। अच्छा, अब इसमें हमने बॉडी प्लॉट्स पढ़ा था, तो स्टेबिलिटी एनालिसिस पे चूँकि बात हो रही है तो हम थोड़ा सा बॉडी प्लॉट्स को भी अभी स्टडी करेंगे कि हमें अगर कोई एम्पलीफायर है उसका हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स गिवन है, तो हमें कहा जाए कि भाई ये जो आपका एम्पलीफायर है इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देख के बताएं कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो यू शुड बी एबल टू टेल बाई सीइंग योर बॉडी प्लॉट्स कि ये सिस्टम आपका स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो वो कैसे हम चेक करेंगे, बड़ा ईजी प्रोसेस है ये, वो अभी हम देखते हैं। फ्रॉम दी बॉडी प्लॉट्स, बॉडी प्लॉट्स क्या थे कि जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है लॉन्ग एक्स एक्सिस और आपकी जो दो तरह की इसमें ग्राफ होते हैं गेन और फेज। तो गेन का एक प्लॉट होता है अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी और फेज का एक प्लॉट होता है अगेंस्ट दी फ्रीक्वेंसी। फ्रॉम दी बॉडी प्लॉट्स वी कैन से वेदर द कंट्रोल सिस्टम इज स्टेबल मार्जिन इन स्टेबल और अनस्टेबल बेस्ड ऑन दी वैल्यूज ऑफ दीज पैरामीटर्स। अच्छा, अब इसमें दो तरह की फ्रीक्वेंसीज होंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी
और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। गेन में हमारा रेफरेंस क्या होगा 0 dB, और फेज में हमारा रेफरेंस क्या होगा -180। ठीक है, तो अगर आपका गेन का जो प्लॉट है वो जब 0 dB को क्रॉस करता है तो उसको हम बोलते हैं गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, और अगर आपका फेज का प्लॉट है वो -180 को क्रॉस करता है तो उसे हम बोलेंगे फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और फिर वहीं से हम निकालते हैं गेन मार्जिन और फेज मार्जिन। अच्छा जी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज प्लॉट इज हैविंग द फेज ऑफ -180 इज नोन एज फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा पी सी। द यूनिट ऑफ फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी एट विच द मैग्नीट्यूड प्लॉट इज हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ 0 dB इज नोन एज गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा जी सी। द यूनिट ऑफ गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन द फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी लिस्टेड बिलो। इफ़ द फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, द सिस्टम इज कंट्रोल सिस्टम इज स्टेबल। यानी अगर आपका जो फेज वाली फ्रीक्वेंसी है वो बड़ी है आपकी गेन वाली से तो सिस्टम स्टेबल होगा, ये अभी हम देखते हैं। और अगर आपकी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। अच्छा, इफ़ द फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी तो आपका कंट्रोल सिस्टम अनस्टेबल होगा। अच्छा, एक तो ये तरीका है, दूसरा एक और तरीका जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है गेन मार्जिन और फेज मार्जिन से। गेन मार्जिन क्या होता है, गेन मार्जिन इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द मैग्नीट्यूड इन dB एट द फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। यानी जो आपका 20 log of 1 over MPC या -20 log of MPC उसको हम बोलते हैं गेन मार्जिन। गेन मार्जिन अभी हम देखते हैं क्या होता है, ग्राफ से हम देखते हैं। दूसरा होता है फेज मार्जिन, फेज मार्जिन द फार्मूला फॉर द फेज मार्जिन इज 180 प्लस 5 GC, 5 GC इज द फेज एंगल एट द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, इसको GM और PM बोलेंगे। ये दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इफ बोथ द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन आर पॉजिटिव द कंट्रोल सिस्टम इज स्टेबल। इफ बोथ द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन आर इक्वल टू 0 देन द सिस्टम कंट्रोल सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, अगर दोनों 0 हो तो सिस्टम क्या होता है, मार्जिनली स्टेबल होता है। इफ द गेन मार्जिन एंड द फेज मार्जिन आर नेगेटिव, यानी इनमें से कोई भी एक अगर एक भी नेगेटिव हो गया तो सिस्टम आपका अनस्टेबल होगा। ठीक है, ये हम देखने कैसे हमें चेक करना है। अब ये देखें, ये आपका एक बॉर्डर प्लॉट शो हो रहा है। अब ये आपकी गेन प्लॉट है, ये आपका फेज प्लॉट है। ये देखें, आप 0 dB को क्रॉस जो कर रहे हैं ये आपकी होगी आपकी आपकी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, और जो ये -180 को क्रॉस कर रहा है ये आपकी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है। तो हमने पहले ये भी पढ़ा था कि फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन दी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, तो ये सिस्टम आपका स्टेबल है। अच्छा, अब इसका गेन मार्जिन कैसे निकालेंगे, गेन मार्जिन निकालना है तो आप क्या करोगे, पहले ये देखो कि गेन मार्जिन के लिए ये देखो कि ये 180 को जो जहाँ से क्रॉस कर रही है, जैसे ये देखें ना, ये 180 से क्रॉस करे, इस फ्रीक्वेंसी पे आप ये वैल्यू निकाल लें, यानी 0 minus this 1। ठीक है, 0 minus this 1 तो दैट विल बी पॉजिटिव वैल्यू, यानी 0 minus into minus something इट विल बी पॉजिटिव। तो इसको हम कहेंगे कि पॉजिटिव गेन मार्जिन, ये आपका क्या है, पॉजिटिव गेन मार्जिन। ये एरो नीचे को होना चाहिए और इसका रेफरेंस क्या होगा, 0। ठीक है, ये पॉजिटिव गेन मार्जिन होगा। और फेज मार्जिन क्या होगा कि जहाँ पे आपकी गेन 0 हो रही है, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आप एंगल देख लें। वो क्या, आप एंगल कैसे देखेंगे, वो आप एंगल देखेंगे ये वाला एंगल माइनस दिस एंगल, -into -180 जो कि क्या हो जाएगा, +180, +180 प्लस दिस वाल दिस मच एंगल, इट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो इसका एरो भी नीचे को होना चाहिए, ठीक है, दैट विल बी पॉजिटिव फेज मार्जिन। ठीक है, तो ये सिस्टम स्टेबल है आपका। अच्छा जी, अब हम देखते हैं एक अनस्टेबल सिस्टम को। तो ये राइट साइड पे आपका एक अनस्टेबल बना हुआ सिस्टम, इसमें आप देखें कि इसमें फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ये है और गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ये है, यानी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है आपके फेज से, तो ये सिस्टम अनस्टेबल है। अच्छा जी, अब इसके हम मार्जिन भी चेक करते हैं कि गेन मार्जिन क्या होगा। गेन मार्जिन इसका देखेंगे, ये -180 हो रही है, तो अब गेन मार्जिन इसका क्या होगा, ऊपर को एरो जा रहा है, यानी 0 रेफरेंस से एरो ऊपर को है,
तो इस सूरत में क्या होगा कि ये आपका नेगेटिव आ जाएगा, 0 माइनस इनटू बिग थिंग विल बी नेगेटिव। और आपका जो फेज़ मार्जिन क्या हो जाएगा, फेज़ मार्जिन ये आप निकालेंगे जहाँ पे गेन 0 हो रही है, गेन यहाँ पे 0 हो रही है, उसके फिर आप क्या निकालो माइनस ये इसका जो रेफरेंस है दिस ऊपर को आप दिस वैल्यू माइनस इंटू -180, यानी 180 माइनस दिस एंगल, तो 180 180 प्लस दिस एंगल, ये एंगल मतलब माइनस के अंदर है तो दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो अगर आपका एक भी मार्जिन नेगेटिव हो गया तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, और अगर दोनों मार्जिन पॉजिटिव हैं यानी आपकी जो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इट इज़ ग्रेटर दैन दी गेन क्रॉस ओवर, तो सिस्टम आपका स्टेबल होगा। तो अगर आपको बोडे प्लॉट्स गिवन हो तो देख के आप देख के बता सकते हैं कि ये सिस्टम आपका स्टेबल है या सिस्टम आपका अनस्टेबल है, आपका एम्पलीफायर स्टेबल है या आपका एम्पलीफायर अनस्टेबल है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं जी बोडे प्लॉट आपको, फॉर एग्जांपल ये गिवन है बोडे प्लॉट, ठीक है। अच्छा, आप देखें इसमें सबसे पहले आप देखें कि आपकी गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी कहाँ क्या बन रही है, ये बन रही है आपकी गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी ये वाली, ठीक है, दैट वन, यानी ये आपकी बन रही है 1 × 10^0, क्या होती है 1, 2, 3, ठीक है, 4 बन रही है आपकी, तकरीबन 4 के करीब आ रही है जहाँ पे ये आपकी गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी है। और आपकी फेज़ क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी क्या होगी इसमें, ये देखें -180, ये 100 के करीब है। अब देखें फेज़ क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी इज़ ग्रेटर देन योर गेन क्रॉस ओवर, तो ये सिस्टम स्टेबल सिस्टम है। अच्छा, अब इसका ज़रा हम निकालते हैं मार्जिन निकालते हैं, पहले हम गेन मार्जिन निकालते हैं। तो गेन मार्जिन क्या होगा कि जहाँ पे आपका फेज़ -180 है, ये -180 हो रहे हैं, तो इसमें आप क्या करो कि 0 माइनस इंटू माइनस दिस, ये कितना आ रहा है, तकरीबन ये आ रहा है आपका -55 के करीब, यानी इसका 55 के करीब, तकरीबन तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 55 इसका गेन मार्जिन है। गेन मार्जिन को ये भी कहते हैं कि हम गेन कितनी ज़्यादा बढ़ा सकें कि सिस्टम आपका अनस्टेबल है, यानी आपका मार्जिन कितना है गेन को बढ़ाने का, यानी आप 55 तक गेन बढ़ा सकते हैं, यानी 55 dB है। अब dB को आप क्या करो कि इसको कन्वर्ट आपको करना होगा रेशो के अंदर, ठीक है, जो हम करते हैं कि 20 से डिवाइड करें आप इसको और फिर इसका 10 की पावर आप लेंगे तो आपके पास गेन आ जाएगी, तो उतनी गेन हम बढ़ा सकते हैं सिस्टम की कि जिससे सिस्टम आपका अनस्टेबल नहीं होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं गेन मार्जिन। अच्छा, और फेज़ मार्जिन, अब इसमें देखें फेज़ मार्जिन निकालते हैं, फेज़ मार्जिन हमने कैसे निकालना है, जहाँ पे आपकी गेन 0 थी ये वाली आपकी गेन 0 है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो कि 180 प्लस दिस मच एंगल, ये कितना आ रहा है आपका, तकरीबन आपका फेज़ मार्जिन ये कितना आ रहा है, ये 90 का फेज़ मार्जिन आपको मिल रहा है तकरीबन, ठीक है, -90 से -180 में ये आपको जो है ये डाउनवर्ड एरो के साथ ये भी पॉजिटिव मिल रहा है आपको, 90 डिग्री आपको मिल रहा है, तो ये भी आपका सिस्टम स्टेबल सिस्टम है। अच्छा, अगर आपको इस तरह का दिया होगा बोडे प्लॉट, आपसे पूछा जाए बताएं जी सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आप क्या निकालो, पहले तो इसकी निकालो गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर क्या आती है तकरीबन यहाँ पे कहीं पे आ रही है ये वाली फ्रिक्वेंसी तकरीबन आ रही है 1 के करीब, और फेज़ क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी आ रही है तकरीबन 100, यानी ये भी स्टेबल सिस्टम है। तो स्टेबल सिस्टम है तो उसका ये गेन मार्जिन यहाँ से आ जाएगा, और फेज़ मार्जिन आपका कहाँ से आएगा, फेज़ मार्जिन आपका यहाँ से आ जाएगा, ये आप वैल्यू निकालोगे तो फेज़ मार्जिन आपका आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये सिस्टम देखें जी, ये क्या है, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब इसमें आप देखें कि इसमें इस सिस्टम के अंदर आपका ये -180 है, -180 है, और -180 के कोरस्पॉन्डिंग गेन मार्जिन निकालें आप, तो ये आपका जो गेन मार्जिन आ रहा है इसके अंदर, गेन मार्जिन आपका इसमें क्या आ रहा है, -7 dB आपका नेगेटिव जो है वो गेन मार्जिन आ रहा है इस केस के अंदर, क्योंकि आप देखें इसमें 0 dB कहाँ पे, ये 0 dB ये है, तो 0 dB का मतलब ये है कि देखें इसकी जो गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी वो ज़्यादा है आपकी फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी से, तो ये एक अनस्टेबल सिस्टम है। और इसमें अगर आप गेन मार्जिन निकालें तो इसके अकॉर्डिंगली आप गेन मार्जिन ये आपका आपका नेगेटिव आ जाएगा, ये वाला 0 माइनस दिस 1 दैट इज़ 7 dB, तो 0 माइनस 7 इज़ -7 dB, तो ये एक अनस्टेबल सिस्टम है। यानी अगर आपको बोडे प्लॉट क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर और उसमें आपको गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि बताएं जी कि ये आपका फिल्टर या एम्पलीफायर एक लगा हुआ है इस, ये आपका एक स्टेबल सिस्टम है या एक अनस्टेबल सिस्टम है, तो इसको देख के आपको निकालने होंगे इसके गेन मार्जिन और इसके फेज़ मार्जिन आपको कैलकुलेट करने होंगे, और अगर उनमें से कोई भी नेगेटिव हो जाता है कोई भी,
तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। दैट विल बी अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, आज का जो फाइनल टॉपिक है वो है डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर्स। डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं कि कई बार हमें करंट गेन ज़्यादा चाहिए होती है, यानी आपने एक ज़्यादा हैवी लोड को ड्राइव करना है, ठीक है, ज़्यादा हैवी लोड ड्राइव करनी है, तो वो करंट इतना कहाँ से आएगा आपके पास। तो ट्रांजिस्टर है वो तो इतना करंट नहीं दे सकता, एक अकेला बेचारा छोटा सा ट्रांजिस्टर। तो आपको कोई कुछ करना होगा जिससे आप उसको हैवी करंट दे सकें। तो वो हैवी करंट कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम, इस डार्लिंगटन कॉम्बिनेशन से। अब वो किस तरह से आप बना सकते हैं, दो तरह से बना सकते हैं, एनपीएन और पीएनपी। एनपीएन में क्या करेंगे आप, एमीटर को दूसरे ट्रांजिस्टर की बेस के साथ जोड़ दें और दोनों के कलेक्टर कॉमन कर दें, तो ये आपकी एक डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। ये आपका ओवरऑल आईसी बन जाएगा, लेकिन इस पर थोड़ा सा किरचॉफ करंट लॉ लगाएं। IC इज इक्वल टू IC1 प्लस IC2, ठीक है। अब IC1 क्या होगा, बीटा इंटू IB, यानी बीटा 1 इंटू IB, इसको बीटा 1 कहें। और IC2 क्या है, बीटा 2 इंटू IB, यानी बीटा 2 इंटू IB2, यानी IC2 इज इक्वल टू बीटा 2 इंटू IB2। अब IB2 क्या चीज़ है, IB2 विल बी एमिटर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 1, यानी IE1 इज इक्वल टू IB2, दैट विल बी इक्वल टू IB प्लस IC1, यानी ये दोनों करंट सम होके इधर आएंगे, ठीक है, ये दोनों करंट सम होके इधर आएंगे और इस ये दोनों करंट सम होके इधर जाएंगे, ठीक है। तो आपकी जो ओवरऑल गेन बन जाएगी, जो ओवरऑल आपकी गेन बनेगी, वो बनेगी इन दोनों का प्रोडक्ट, तकरीबन इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगी। अभी हम उसको कैलकुलेट भी करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करनी है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, अगर इसकी गेन है 100 और इसकी गेन है 100, तो उनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है, यानी 10,000 गुना जो है वो आपका करंट एम्पलीफाई हो सकता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर। डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स ऑफर इंक्रीज्ड करंट स्विचिंग फॉर अ गिवन पेज करंट। अच्छा, ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि सेंसिटिविटी इनकी ज़्यादा है, ठीक है। द डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर सिडनी डार्लिंगटन इज अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ टू स्टैंडर्ड एनपीएन और पीएनपी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स बीजेस कनेक्टेड टुगेदर। द एमिटर ऑफ वन ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड टू द बेस ऑफ द अदर टू प्रोड्यूस अ मोर सेंसिटिव ट्रांजिस्टर विद अ मच लार्जर करंट गेन बींग यूजफुल इन एप्लीकेशन वेयर करंट एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग इज रिक्वायर्ड। डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर पेयर्स कैन बी मेड फ्रॉम टू इंडिविजुअली कनेक्टेड बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स और अ वन सिंगल डिवाइस कमर्शली मेड इन अ सिंगल पैकेज विद द स्टैंडर्ड बेस एमीटर एंड कलेक्टर कनेक्टिंग लीड्स एंड आर अवेलेबल इन अ वाइड वैरायटी ऑफ क्लास स्टाइल्स एंड वोल्टेज रेटिंग्स इन बोथ एनपीएन एंड पीएनपी वर्जंस एंड वी सॉ इन आवर ट्रांजिस्टर एज अ स्विच ट्यूटोरियल। अच्छा, ये पुराने ट्यूटोरियल की यहाँ पे बात कर रहा है। अच्छा, बाइपोलर ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, अब इसमें देखें, ये BJT एज अ स्विच जो है अब इसमें दिखा रहे हैं कि किस तरह हमने यूज़ किया है एज अ स्विच। एज अ स्विच के लिए हम इसको किस में चलाएंगे, सेचुरेशन मोड के अंदर हम इसमें चलाते हैं कि जब हमारा IB 0 होता है तो ये स्विच ओपन होगा और जब हमारा IB मैक्सिमम होगा एक लिमिट तक तो ये क्या होगा, सेचुरेशन में चला जाएगा 0.1 वोल्ट। यहाँ इसके क्रॉस कितने आएंगे, 0.1 वोल्ट, और इसको हम एज अ क्लोज्ड स्विच कंसिडर करेंगे और यहाँ पे वोल्टेज पर आपके क्या आ जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 0। तो मैन द बेस टर्मिनल ऑफ द एनपीएन ट्रांजिस्टर इज ग्राउंडेड द 0 करंट फ्लोज इन टू द बेस देयर फॉर आई बी इक्वल टू 0। एज द बेस टर्मिनल इज ग्राउंडेड नो करंट फ्लोज फ्रॉम कलेक्टर टू द एमीटर टर्मिनल्स देयर फॉर द नॉन कंडक्टिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है। इफ नाउ वी नाउ फॉरवर्ड बायस द बेस मीटर टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू द एमीटर, यानी अगर यहाँ पे अगर आप 0.7 वोल्ट दे देते हैं और सर्टन करंट इसमें फ्लो करवा देते हैं और हाई सफिशेंट होता है जिससे आपका ये सेचुरेशन में चला जाता है कॉजिंग मच लार्जर करंट टू फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर बिटवीन इट्स कलेक्टर एंड एमिटर टर्मिनल्स द ट्रांजिस्टर इज नाउ सेट टू बी स्विच्ड ऑन, ठीक है। तो ये करंट हम कैसे निकालते थे, वी इन माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई RB। द ट्रांजिस्टर इज नाउ सेट टू स्विच ऑन। इफ वी ऑपरेट द ट्रांजिस्टर बिटवीन दीज टू मोड्स ऑफ कट ऑफ एंड कंडक्शन द ट्रांजिस्टर कैन बी मेड टू ऑपरेट एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच, यानी इसको हम एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच करंट कंट्रोल्ड डिवाइस, ठीक है। BJT को आप याद करें, ये क्या है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस।
अच्छा, हाउ एवर दी ट्रांजिस्टर बेस्ड टर्मिनल्स नीड टू बी स्विच बिटवीन 0 एंड सम पॉजिटिव वैल्यू मच ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर फुली टू कंडक्ट अ हायर वोल्टेज कॉजेज एन इंक्रीज बेस करंट आई वी टू फ्लो इन टू द डिवाइस रिजल्टिंग इन द कलेक्टर करंट बिकमिंग लार्जर वाइल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर मीटर टर्मिनल बिकम स्मॉलर. ये तो हमें पता है पॉइंट वन रह जाते हैं. देन वी कैन सी दैट अ स्मॉल करंट फ्लोइंग इन टू द बेस टर्मिनल कैन कॉज अ मच लार्ज करंट टू फ्लो बिटवीन द कलेक्टर एंड मीटर. बेसिक बात को जो है ना वो काफ़ी एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये अब वो अब तक तो बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए. द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट इज नोन एज करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर बीटा. टिपिकल वैल्यू ऑफ द बीटा कितनी होती है? 50 से 200 तक, 50 to 200 तक. मैंने जो यूज़ किए थे VC547 जो मैंने यूज़ किया था उसकी अप्रॉक्सीमेटली 150 थी आई थिंक. अच्छा, एनी हाउ बिटवीन द ट्रांजिस्टर्स ऑफ द सेम पार्ट नंबर इन सम केसेज में द करंट गेन ऑफ अ सिंगल ट्रांजिस्टर इज टू लो टू ड्राइव डायरेक्टली ड्राइव अ लोड वन वी टू इंक्रीज द गेन इज द यूज ऑफ डार्लिंगटन पेयर. यानी जब आपने इसको एज अ स्विच यूज़ करना है तो आई सी फ्लो होगा, आई सी विल बी इक्वल टू बीटा आई. अब वो एक लिमिट तक आप बढ़ा सकते हैं. अगर आपको ज़्यादा करंट चाहिए यहाँ पे जो कि आई सी इक्वल टू बीटा आई बी से नहीं मिल पा रहा, तो फिर अब आपके पास क्या हल है? आप यहाँ डार्लिंगटन यूज़ कर लें तो उससे आपको जो आई सी होगा वो इस आई बी से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगी. यानी आपको जो बीटा हो जाएगा ना वो बीटा बढ़ जाएगा आपका. बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है आपके डार्लिंगटन का. तो डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन नोन एज डार्लिंगटन पेयर और सुपर अल्फा सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स कनेक्टेड टुगेदर सो दैट एमिटर करंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर TR1 बिकम्स द बेस करंट ऑफ द सेकंड ट्रांजिस्टर. द ट्रांजिस्टर TR1 इज कनेक्टेड एज एन एमिटर फॉलोअर एंड TR2 इज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर. As note that this Darlington pair configuration, the collector current of the slave or control circuit TR1 is in phase with the master switching transistor TR2. अब देखें इसकी configuration क्या होगी. ये आपकी NPN वाले के साथ configuration है. Using the NPN Darlington pair as the example, the collectors of the two transistors are connected together. ठीक है, TR1 drives the base of TR2. This configuration achieves the beta multiplication because for a base current IB, the collector current is beta IB. When the current gain is greater than the unity one or unity. अब देखें IC क्या होगा. IC will be equal to IC1 plus IC2. ठीक है, और IC1 क्या होता है? बीटा IB, ये बोला IB. और बीटा 2 IC2 क्या होगा? बीटा 2 IB2. अब इस IB2 की जगह आप फर्दर पुट कर दें. क्या पुट करें आप? IB plus IC1 पुट कर दें. ठीक है, यानी बीटा 1 प्लस इंटू 1 प्लस बीटा 1 इंटू IB. ये देखें कि IB2 इज इक्वल टू IE1 इज इक्वल टू IC1 प्लस IB इज इक्वल टू बीटा 1 IB प्लस IB बीटा 1 प्लस 1 इज IB. अच्छा, अब इसको वापस इसमें पुट करें तो ये आपकी हो जाएगी IC इक्वल टू बीटा 1 IB प्लस बीटा 2 इंटू बीटा 1 प्लस 1 इंटू IB. ठीक है, और ये फर्दर आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर दें और आपकी इक्वेशन नंबर आप आ जाएगी B1 प्लस बीटा 2 बीटा 1 प्लस बीटा 2 इंटू IB. अगर आपके बीटा सेम है तो क्या हो जाएगा? ये बीटा स्केयर प्लस 2 बीटा. ठीक है, बीटा स्केयर प्लस 2 बीटा. और 2 बीटा जो होता है ना वो आपका नेगलिजिबल होगा एज कम्पेयर टू बीटा स्केयर. जैसे अगर आपका बीटा है 100 तो बीटा स्केयर आपका कितना होगा? बीटा स्केयर आपका बन जाएगा 10,000 और 2 बीटा कितना हो जाएगा? 200. तो 10,000 में जो 200 की कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगी. तो दिस मीन्स दैट द ओवरऑल गेन बीटा इज गिवन बाय द गेन ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिस्टर मल्टीप्लाइड बाय द गेन ऑफ द सेकंड ट्रांजिस्टर एज द करंट गेन ऑफ द टू ट्रांजिस्टर्स मल्टीप्लाई. इन अदर वर्ड्स अ पेयर ऑफ बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स कंबाइंड टुगेदर टू मेक अ सिंगल डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर. तो नॉर्मली हम इनका प्रोडक्ट ही लेते हैं, यानी कि ये हमारा प्रोडक्ट ही हम नॉर्मली ले रहे होते हैं अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, एक्यूरेटली तो ये फार्मूला होगा इसका. अच्छा, टू NPN ट्रांजिस्टर्स कनेक्टेड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ डार्लिंगटन पेयर टू स्विच अ 12 वोल्ट 75 वाट. अब देखें 75 वाट, 75 वाट का एक हेलोजन लैंप है, उसको चलाना है. अब 75 वाट का अगर चलाना है तो करंट कितना चाहिए होगा? तो P इज इक्वल टू VI, I इज इक्वल टू P/V. यानी 75/12 दैट विल बी 6.25 एम्पेयर. यानी आपको 6 एम्पेयर चाहिए इस लैंप को चलाने के लिए. 6 एम्पेयर आर ह्यूज, ये बहुत ह्यूज करंट है. तो एक BJT तो नहीं दे सकता, छोटा सा BJT कहाँ इतना करंट देगा. तो फिर आप क्या लगाओगे? आप इधर जो है वो फॉर एग्जांपल अगर आप डार्लिंगटन यूज़ करते हैं, डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो उसमें बीटा 1 कितना है? 25. बीटा 2 कितना है? 80. तो अब आपका बीटा जो है इन दोनों से कितना जो है वो निकल रहा है? आई सी इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, बीटा 1 प्लस बीटा 2 IB. और IB क्या होगा? IC/1
तो IC कितना है आपका 6.25 और बीटा कितना है आपका 3105, 3 mA। यानी अगर आपका बेस करंट 3 mA है, ठीक है, तो आप उससे 6.25 एम्पेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं इस किसकी मदद से, इस डार्लिंगटन की मदद से, ठीक है। तो दस वी कैन सी दैट अ वेरी स्मॉल बेस करंट ऑफ 3 mA सच दैट सप्लाइड बाय द डिजिटल लॉजिक गेट और आउटपुट पोर्ट ऑफ अ माइक्रो कंट्रोलर, यानी एक माइक्रो कंट्रोलर से आप 75 वॉट का एक लैम्प चला सकते हैं, ऑन ऑफ करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डार्लिंगटन। इफ टू आइडेंटिकल बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स आर यूज टू मेक अ डार्लिंगटन ट्रांस डिवाइस बीटा 1 बीटा 2 आर इक्वल, तो उसमें क्या होगा कि बीटा स्केयर प्लस 2 बीटा, तो जनरली द वैल्यू ऑफ बीटा स्केयर इज मच ग्रेटर दैन द 2 बीटा, इन विच केस इट कैन बी इग्नोर टू सिंप्लीफाई द मैथ्स। दस द फाइनल इक्वेजन फॉर द 2 ट्रांजिस्टर्स कन्फिगर्ड एज ए डार्लिंगटन पेयर कैन बी रिटन एज IC इक्वल टू बीटा स्केयर IV। आमतौर पर इस तरह से हम उसको लिख देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। दस वी कैन सी फॉर द आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स बीटा स्केयर इज यूज इंस्टेड ऑफ बीटा लाइक 1 बिग ट्रांजिस्टर विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ गेन, द डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर्स पेयर्स विद करंट गेन्स ऑफ मोर देन 1000 विद मैक्सिमम कलेक्टर करंट्स ऑफ सेवन एम्पेयर्स आर इजिली अवेलेबल। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस अरेंजमेंट इज दैट द स्विचिंग ट्रांजिस्टर इज मच मोर सेंसिटिव टू ओनली अ टाइनी बेस करंट इज रिक्वायर्ड टू स्विच अ मच लार्जर लोड करंट। तो अगर आपका हैवी लोड करंट है तो उसको आप इसकी मदद से चला सकते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन 1000 और सिंगल ट्रांजिस्टर प्रोड्यूसर है ये नाउ 50 to 200। दस वी कैन सी दैट अ टर्निंगटन पेयर विद अ गेन ऑफ 1000/1:1 कुड स्विच एन आउटपुट करंट ऑफ 1 एम्पेयर इन द कलेक्टर एमीटर सर्किट विद एन इनपुट बेस करंट ऑफ 1 mA। यानी अगर 1 mA है आपका इनपुट पे और 1000 की गेन है बीटा 1 × बीटा 2, तो आपका 1000 × 1 mA यानी 1 एम्पेयर तक आप इजीली दे सकते हैं। दिस देन मेक्स अ डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर्स आइडियल फॉर इंटरफेसिंग विद रिलेज लैंप्स मोटर्स टू लो पावर माइक्रो कंट्रोलर। यानी लो पावर माइक्रो कंट्रोलर और हैवी लोड के दरमियान आप डार्लिंगटन यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें आपके सामने कि ये 10K ओम बेस पे यूज़ हो रही है और ये डार्लिंगटन लगाया हुआ है इंस्टेड ऑफ BJT, और ये आपका LED लोड है और ये रेजिस्टेंस है करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मतलब आप इसको, ये जो करंट होगा ये तो खैर डिपेंड करेगा इस IV के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे आप इस लोड की जगह ये मोटर यूज़ कर सकते हैं, लैंप यूज़ कर सकते हैं, और आप जो है वो ये हीटर इसकी जगह पे हाई करंट वाला यूज़ कर सकते हैं द बेस ऑफ द डार्लिंगटन। अच्छा, अब देखें एक चीज़ नोट करें कि बेस मीटर जंक्शन में 0.7 वोल्ट आते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि 0.7 प्लस 0.7, यानी ये आ जाएगा आपका 1.4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप आएगा। यानी इसमें जो ड्रॉप है वो ज़रा ज़्यादा है। ये इसकी एक बुरी चीज़ है, इसका डिसएडवांटेज है। इसको भी कवर किया गया आगे, एक और मॉडल भी है डार्लिंगटन का, लेकिन वो अभी हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। द बेस ऑफ द डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर इज सफिशेंटली सेंसिटिव टू रिस्पॉन्ड टू एनी स्मॉल इनपुट करंट फ्रॉम अ स्विच और डायरेक्टली फ्रॉम अ TTL और ट्रांजिस्टर लॉजिक और 5 वोल्ट CMOS लॉजिक गेट। द मैक्सिमम कलेक्टर करंट IC मैक्सिमम फॉर एनी डार्लिंगटन पेयर इज सेम एज दैट फॉर द मेन स्विचिंग ट्रांजिस्टर। TR2 कैन बी यूज टू ऑपरेट द रिलेज, DC मोटर, सोलेनाइड्स एंड लैंप्स। वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ अ डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर पेयर इज द मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द बेस एंड द एमीटर व्हेन फुली सैचुरेटेड। अनलाइक अ सिंगल ट्रांजिस्टर व्हिच हैज सैचुरेटेड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट, इन्हें जर्मनी में 0.3 होता है और सिलिकॉन वाले में 0.7 होता है। व्हेन फुली ऑन अ डार्लिंगटन डिवाइस हैज अ ट्वाइस द बेस मीटर वोल्टेज ड्रॉप, लेकिन इसमें ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा, एज द बेस मीटर वोल्टेज ड्रॉप इज द सम ऑफ बेस मीटर वोल्टेज डायोड ड्रॉप्स ऑफ द 2 इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर्स विच कैन बी बिटवीन 0.6 to 1.5 डिपेंडिंग ऑन द करंट थ्रू द ट्रांजिस्टर। तो ये था डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर्स के मुतालिक एक लेक्चर। तो इस वीक जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन कॉन्टेंट इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।